किचन में थकान दूर करने वाली हम खीर बनाने चल रहे हैं। कमजोरी जैसे महसूस होता है, एक खीर को आप एक गिलास पी लेते हैं सुबह बनाकर, ये बहुत फायदेमंद खीर है, बन गया है, तैयार है। देखिए यहाँ पर, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। विटामिन से भरपूर पाए जाने वाली खीर है, तो आप लोग देख सकते हैं, बच्चों को भी इस तरह से आप लोग खिला सकते हैं खीर बनाकर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या हम डालते हैं इसमें। हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जितने माता पिता भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो आप लोग को हर समय पर इसी तरह मिलते रहे। तो आज चल रहे अपने किचन में हमने ढेर सारे पकवान बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं शाही पनीर बनाएंगे, आज पूड़ी बनाएंगे, पपड़ी छानेंगे, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं खीर बनाएंगे। तो खीर के सारे सामान यहाँ पे ले लिए हैं। देख रहे हैं आप लोग, काजू है, बादाम है, छुआरे है, लाची, मुनक्की, गढ़ी, चिरंजी, उसके बाद मखनी। आप लोग को खीर पहले सबसे दिखा दे रहे हैं। खीर के लिए क्या कर रहे हैं हम, देख रहे हैं यहाँ पे गैस को जला रहे हैं। एक तरफ हमने दूध को रखेंगे, प्लेट को गरम करेंगे इसको ढककर, और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं चावल लिए, खीर वाला चावल हमारा यहाँ पे है। आप घर का कोई भी चावल ले सकते हैं, कि हमारे घर में था ये पुलाव वाला चावल, था जिससे हम खीर बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करें। इसको धो ले रहे हैं पहले। यहाँ पे देख रहे हैं कि आज हम खीर एक नए तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कढ़ियों को रख दिए हैं और चावल को कढ़ाई में फ्राई करेंगे। इसके लिए देख रहे हैं यहाँ पे घर का घी लिए हैं 2 चम्मच। तो घी को हम इसमें डाल रहे हैं। आपके पास घी नहीं हो तो आप रिफाइंड तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। चावल को यहाँ पे देख रहे हैं धोकर रख लिए हैं, तो चावल के लिए हम फ्राई करेंगे। तो पानी जैसे नहीं डालना चाहिए, जैसे पानी जैसे यहाँ पे जो दिख रहा है। चावल को चारों तरफ इस तरह फैला देंगे तो अच्छे से चावल हमारा भुना जाता है। और चावल को मीडियम आंच पे बिल्कुल भुनना है आपको। तो चावल को 2 मिनट हम भुनेंगे अच्छे से, और उसके बाद देखें इधर दूध हमारा उबला हो रहा है। जैसे देते कहीं जग में हम जाते हैं, कहीं पूजा पाठ में जाते हैं, तो इसी तरह से खीर मिलता है। ओल वाले खीर है अपने किचन में बना रहे हैं। तो चावल को हम इधर फ्राई कर लिए हैं, तो अभी इधर हमारा दूध देखिए भी गर्म नहीं है, इसमें हम डाल देंगे। जैसे देख रहे हैं अच्छे से दूध गर्म हो जाता है, इसमें चावल गर्म गर्म पड़ता है तो दूध हमारा उबला होता है तो ऊपर आ जाता है दूध। तो अब देखिए चावल को इसमें हम डालते जा रहे हैं। देख रहे खीर में हम डाल दिए हैं, तो खीर को मीडियम आंच पे पकाएंगे। अब इधर देख रहे हैं खीर के सामान को हम चस लेंगे। पहले यहाँ पे देख रहे हैं काजू को और बादाम को, सभी चीज को इसमें चस ले रहे हैं। अब पनीर को एक साइड कर रहे हैं, से चाहे पतले वाले चसना चाहते हैं उस तरह से चस सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पीस इसका ढेर सारे हो जाता है, तो हमको इसे अच्छा लगता है चसने पे, तो इस तरह चस रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग, कुछ लोग जैसे देखते हैं कि खलबट्टे में दरबड़े कुटकी भी डाल देते हैं, तो भी अच्छा रहता है कुटकी भी डालने पर, मगर इस तरह से काट के डालने पर रहता है ढेर सारे लगता है। काजू बादाम मुंह में जब भी खाते हैं तो खीर आता है, तो इस तरह देखिए हमने काट ले रहे हैं। तो आप कम काजू बादाम लेंगे मगर इस तरह से चसते हैं तो ढेर सारा हो जाता है, तो जिसे इससे चिप्स काटा जाता है इसी तरह से हम भी काट रहे हैं। देखिए इसको छोटे छोटे पीस यहाँ पे निकल रहा है। तो खीर को इसमें मीडियम आंच पे आप पकाएंगे बिल्कुल। अभी आप लोग भगोले में गर्म कर रहे हैं, तो जैसे देखते हैं खीर बनाते समय दूध हमारा जो रहता है नीचे से जलने लगता है और ऊपर से खीर पकता है हमारा। तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है कि दूध पलटी करने के पहले आप पानी उसमें भगोले में डाल लीजिए थोड़ी सा, उसके बाद दूध पलटी करिए, तो नीचे से जलता नहीं है, नहीं तो नीचे से दूध बैठ जाता है तो जलने लगता है, तो ये खीर हमारा अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से काजू और बादाम को गढ़ी को सभी को हम चस ले रहे हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। नहीं तो जैसे देखते हैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और सारे वीडियो में आपको बना के दिखाना है हमको। अभी खीर में सभी चीज को डाल दे रहे हैं। यहाँ पे तेजपात सबसे पहले हम डालेंगे, गैस को बिल्कुल मीडियम करके पका रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो चावल हमारा खीर का जब हो जाता है हल्का सा तभी हमको सारी चीज को डालना है, नहीं तो दूध फटने लगता है। तो इसमें हम पहले सबसे पहले मुनक्का डाल दे रहे हैं, चीनी नहीं डालना अभी, नहीं तो फट जाता है खीर जैसे रहता है। अब इसमें हम डालेंगे इलायची को, उसके बाद डालेंगे यहाँ पर मखनी को, काजू बादाम, और यहाँ पे देख रहे हैं कि डाल देंगे छुहाड़े को, चिरंजी डाल दे रहे हैं,
यहाँ पे ढेर सारी चीजों को खीर में हमने डाल दिए हैं, देख रहे हैं बहुत काफी अच्छी खीर बन रहा है। इसी तरह खीर हम लोग को जग में मिलता है खाने के लिए। खीर को अब इसी तरह मीडियम आंच पे पका लेंगे पहले, उसके बाद हम चीनी इसमें डालेंगे, तब खीर को फिर आप लोग को दिखा रहे हैं कैसा खीर हमारा बन के तैयार हुआ। कम डालना चाहिए खीर जब बना रहे हैं, तो देखिए चावल कितनी अच्छे वाली खीर बन रहा है यहाँ पे, और बहुत काफी सुंदर है खीर बन रहा है। तो जग भी इसी तरह देखते हैं, गिलास में डाल डालकर सभी लोग को पीने के लिए मिलता है खीर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसी के साथ में चीनी भी डालेंगे। अब थोड़ी सा पक गया है सारे मावा हमारे, तो चीनी हम डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे खीर में जो चावल आता है हमारे अच्छे से इसमें खींच जाता है, तो खींच गया चावल, थोड़ी सा बड़ा बर्तन चाहिए इसके लिए। अब इसमें पका रहे हैं, देखिए अब बहुत काफी अच्छे खीर बन के तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। कलकत्ता के मशहूर खीर है, जब वहाँ पे हम रहते थे इस तरह से जब खीर बनता था तो हमको बहुत काफी अच्छे खीर लगता था ये, तो हम सोचते थे कि इस तरह से हम लोग घर पे नहीं बना पाते हैं। यहीं पे जैसे देख रहे हैं कि आप लोग के पास खोआ है, तो पावर खोआ भी इसमें डाल सकते हैं, तो खीर बहुत काफी अच्छी हमारी बनके तैयार हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं खोआ भी ना, खोआ के भी इस तरह से खीर हमारी बहुत काफी टेस्टी बनी है। तो इसी तरह हम चलाते हुए इसको पका रहे हैं, जाके नीचे से जले मत। जैसे स्टील के बर्तन में देखते हैं कभी कभी ऐसा रहता है कि हम छोड़ देते हैं नीचे जलने लगता है, तो इस तरह से हम बराबर इसको चला रहे हैं। देखिए इस तरह चला चला के हम पका रहे हैं इसको, मीडियम आंच पे, जलेगा नहीं है। तो चलाते हुए 5 मिनट हमको हो गया है, इस तरह से हम चलाते जा रहे हैं खीर को। इस तरह से घर पे जग वाला खीर कोई भी घर में आपके पूजा पाठ रह रहा है तो इस तरह से खीर बना सकते हैं। तो देखिए हम इस तरह से चलाते रहे। और एक बात की ध्यान आपको देना है, और इसमें पोस्ता जैसे रहता है, जो महीन दाने में सरसों जैसे रहता है व्हाइट कलर के पोस्ता दुकान में मिलता है किराना के, उसको पीस कर इसमें डाल सकते हैं आप। तो हमारे पास इस समय नहीं है कि हम डाल दें इसमें, उसी और काफी गाढ़े खीर हमारा बन के तैयार होता है। तो आप लोग देखिए इसी तरह हम चला के खीर को पका रहे हैं, और बीच बीच में गैस को हम मीडियम कर दे रहे हैं। तो जैसे देखते हैं कि हफ्ते में एक बार इस तरह से खीर आप खाइए बनाकर, कम मीठे डालकर। तो जैसे विटामिन से भरपूर एक खीर है, इसमें जैसे देखिए आप लोग काजू डाले हैं, बादाम डाले हैं, मुनक्के डाले हैं, लावा डाले हैं, और इसमें देख रहे हैं छुहारा डाले हैं, चिरंजी डाले हैं। तो सारे विटामिन से हमारे भरपूर इसमें खीर में पाया जाता है। तो इस तरह से बनाते हैं, तो हफ्ते में एक बार इस तरह से बनाकर खाएंगे, तो जैसे देखते हैं कमजोरी महसूस जब होता है तो इस तरह से खीर बनाकर एक बार खा लीजिए, तो कमजोरी हमारा दूर हो जाता है। तो जिसको पसंद हो तो जरूर एक बार इस तरह से बनाइए आप लोग, और देखिए बनाकर कितना टेस्टी हमारा खीर होता है। तो बनकर खीर देखिए हमारा तैयार हो चुका है। अब देखिए खीर हमारा बनकर तैयार हो गया, तो आप लोग को बढ़िया कैसा लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर नए ब्लॉग साथ आपको मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।